जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। जीवन में अंधकार बहुत हो, परेशानियां बहुत हो और परेशानियों का कारण ना मालूम हो, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम आपके जीवन की वो छोटी छोटी चीज़ें, बारीक से बारीक चीज़ें आपको बताते हैं जिसकी वजह से आपके ग्रह खराब होते हैं। जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें बढ़ती हैं और आपको कष्ट होते हैं। तो चलिए आज मैं इसी बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, डेमो भी करके दिखाऊंगी। चलिए जी, बताने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। तो चलें बताएं आपको आपकी पहली गलती। हम अक्सर इस तरीके से खड़े होकर कंघी करते हैं और इस चीज़ में हमारे बाल जो हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और ऐसी कंडीशन में हम उन्हें समेटते नहीं हैं बल्कि वहीं छोड़ जाते हैं और यही बाल पैरों में आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मंगल को ख़राब करते हैं। अक्सर हम यूज़ करने के बाद कंघा इस तरीके से रख दिया करते हैं और ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है। हमेशा कंघे को साफ करके रखना चाहिए, पूरी तरीके से साफ कर लीजिए और फिर ये कंघा आप अपनी जगह पर रखिए। कुछ गलतियां जो हम अपने बाथरूम के साथ भी करते हैं, जैसे कि हम कभी भी बाथरूम का गेट प्रॉपरली बंद नहीं करते हैं और ये ज़रूर करना चाहिए, वरना आपके वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा कलेश उत्पन्न हो जाते हैं। बाथरूम में कभी भी हमें कपड़ों को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से चंद्रमा वीक होता है और राहु तीव्र हो जाता है। कभी भी बाथरूम में आपको नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, इससे भी आपका राहु पीड़ित होता है। एक और गलती कुछ लोग अक्सर करते हैं, हम बाथरूम से यूं ही निकल जाते हैं और हम प्रॉपरली अपने हाथों को धोते नहीं हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर ये गलती आप भी करते हैं, सोई नहीं हूँ, आपको जगा रही हूँ। मोबाइल को रात को यूज़ करते करते आप अक्सर आलस में अपने बेड पर यूं ही खिसका देते हैं। रात्रि के वक्त अगर आप अपने बेड पर इस तरीके से मोबाइल्स रखकर, अपनी एसेसरीज रखकर सोते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। कुछ और चीज़ें होती हैं जो हम अपने साथ अक्सर कर लेते हैं, घर में बंद घड़ियां हों ये बहुत गलत होता है, जूते चप्पल फैले हों ये बहुत गलत होता है, हम अपने कपड़े अस्त व्यस्त उठाकर रख दें ये बहुत गंदा होता है, कपड़ों को उल्टा हमेशा छोड़ देना ये बहुत गंदा होता है। छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में याद रखेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चूँकि आई हूँ और आपको कुछ बता के ना जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। अगर जीवन में सक्सेस नहीं मिल रही है, चीज़ें आपकी बार बार अटक रही हैं, तो आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय कर लेना चाहिए। बुधवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर एक कोने में गोबर से उसे थोड़ा सा लीप देना चाहिए, उसके ऊपर सुपारी से बने हुए गणेश जी को स्थापित करना चाहिए, उनका कच्चे दूध से अभिषेक करिए, उनके ऊपर सिंदूर लगाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरे जीवन में जो भी विघ्न हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन कष्टों को आप दूर करें। उसके बाद उस सुपारी को उठाइए, भोलेनाथ के पास रखिए, उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ाइए और फिर उन गणेश जी को लाकर अपनी अलमारी में या अपनी तिजोरी में मूँग की दाल के ऊपर स्थापित कर दीजिए। करके देखिए, जीवन में इससे आपके बहुत सकारात्मक प्रभाव आएंगे। मैं फिर आऊँगी
कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।